कितने घंटे में चार्ज और होती है? इसमें इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें फास्ट चार्जिंग जो है वो सिर्फ 70 मिनट में फुल चार्ज होती है। 70 मिनट में ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है? जी हाँ, जी हाँ। इसके बाद इसकी रनिंग डिस्टेंस क्या होती है? तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त होंगे। गाइस, आप लोगों का काफी ज्यादा कमेंट आ रहा था कि भाई CNG भी देख लिए, पेट्रोल भी देख लिए, डीजल भी देख लिए, अब आप EV में दिखाओ। तो ये देखिए हमारे सामने प्रेजेंट है टाटा की S EV में ये गाड़ी मिलेगी। और भाई इसमें बहुत सारे फैसिलिटी हैं, क्योंकि इसका जो कार्गो बॉडी है ना वो तो कंपनी ने अपने आप से डिजाइन कर दिया, आपको कोई भी एक्स्ट्रा इसमें डिजाइनेशन नहीं कराना पड़ेगा। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ स्पेशली जमशेदपुर टाटा मोटर्स के फैक्ट्री से, क्योंकि अभी ये जो गाड़ी है ना वो कहीं भी डीलरशिप पे नहीं आई। आप लोग बहुत सारा कमेंट करते हैं कि झारखंड में कब आएगी, क्योंकि मैं खुद झारखंड से हूँ, तो झारखंड में कब आएगी ये चीज़ तो नहीं बता सकता, लेकिन एक बार आपको गाड़ी मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्रंट साइड से। तो आपको यहाँ पे नॉर्मली दो वाइपर्स मिलते हैं, यहाँ पे इसका लोगो, और ये जो गाड़ी है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आता है, 29 वोल्ट की ये पावर सप्लाई करती है। और आपका एक और क्वेश्चन रहता है ना कि भाई जब मेरा बैटरी है वो क्या पानी में जाएगा तो खराब हो जाएगा, तो नहीं, ये वाटर प्रूफ बैटरी है। बाकी सारे फीचर्स अभी मैं बात करूंगा, वो एक भैया है वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। तो फ्रंट का कुछ ये लुक बनता है गाड़ी का, बाकी साइड पोर्शन से आ जाते हैं ना, तो आप यहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी फ्रंट की जो टायर साइज है वो आपको C8 के 155R13 पे इसके टायर साइज देखने को मिलते हैं। और बाकी फ्रंट की सस्पेंशन की मैं बात कर लूं तो दो कमानी पट्टे के साथ आपको फ्रंट की सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। और यहां पे आप इसके कार्गो बॉडी को देख सकते हो, आप थोड़ा सा दूर से दिखाओ, आप यहाँ पे इसके कार्गो बॉडी को देख सकते हो, काफी शानदार यहाँ पे आपको फुली पैक्ड कार्गो बॉडी मिल रहा है। कहीं से भी कोई वाटर का रेसिस्टेंस का कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि आप जब जनरली गाड़ी को कहीं ड्राइव करते हो, अचानक से बारिश आ जाता है, तो आपका जो कार्गो बॉडी में सामान रहता है ना वो थोड़ा सा भींगने का डर होता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी के फीचर्स के बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अभी हमारे भैया बताएंगे कि गाड़ी में बेस्ट फीचर्स क्या क्या है, अभी कुछ बता रहे थे आप। ये जो गाड़ी है ये फ्यूचरिस्टिक व्हीकल है, इसमें जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रदूषण फैलते जा रहा है और धीरे धीरे गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होती जा रही है एमिशन नॉर्म्स को लेकर के, तो आने वाले टाइम में हो सकता है जैसे डीजल व्हीकल बंद हो, पेट्रोल या CNG या इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिव EV पे गवर्नमेंट का थोड़ा सा ज्यादा फोकस, यस उस पर ज्यादा मूव होंगे। तो इस व्हीकल को फ्यूचर के लिए डिजाइन किया गया है, और ये जो इस तरह के कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो सिटी टू सिटी राइड करते हैं, सिटी टू सिटी जिनका डिस्टेंस मतलब अप्रॉक्स 50-100 किलोमीटर के आसपास पर डे का रनिंग ऑलमोस्ट, उनके लिए काफी बेनिफिशियल है ये, क्योंकि इसका जो है चार्जिंग कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है, और आपको भी पता है पेट्रोल का कॉस्ट इतना बढ़ रहा है, ये काफी इकोनॉमिक रहने वाली है। इसमें ड्राइवर सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया है, टाटा का जो फोकस है वो सेफ्टी पर बहुत ज्यादा है, तो सेफ्टी फीचर्स भी है इसमें, एक्टिव सेफ्टी और पैसिव सेफ्टी को लेकर के, ठीक है। इसका सस्पेंशन सिस्टम जो है पैराबोलिक लीफ सस्पेंशन, जो कि तीन कमानी पट्टे के आसपास का सस्पेंशन, साथ ही साथ इसमें लोड सेंसिंग वाल्व भी है ताकि वो बेटर डायनामिक स्टेबिलिटी बने रहे ड्यूरिंग द ब्रेकिंग, क्योंकि ब्रेक लगाने पर कई बार गाड़ी ड्रिफ्ट होती है, लेकिन LCRB के कारण इसमें इस तरह का चीज नहीं है, गाड़ी बहकेगी नहीं आती। साथ ही साथ इसका जो बैटरी बैंक है वो 29 वोल्ट का है, ठीक है, IP67 रेटेड है, वाटर प्रूफ है। प्रोपल्शन सिस्टम में जो इंडक्शन मोटर दी है वो 27 किलोवाट जनरेट करता है, अच्छा, जो काफी पावरफुल है। और ये कितने घंटे में चार्ज होती है? इसमें इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें फास्ट चार्जिंग जो है वो सिर्फ 70 मिनट में फुल चार्ज होती है। 70 मिनट में ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है? जी हाँ, जी हाँ। इसके बाद इसकी रनिंग डिस्टेंस क्या होती है? 156 ARAI सर्टिफाइड रनिंग डिस्टेंस, 156 किलोमीटर, 156 किलोमीटर विद इन अ सिंगल चार्ज, 70 मिनट्स, यस भाई साहब। और क्या चाहिए आपको? सिर्फ और सिर्फ 70 मिनट यानी 1 घंटे 10 मिनट आप इस गाड़ी को चार्ज करिए और आप काफी आसानी से 156 कंपनी का क्लेम है कि आप इस गाड़ी को आराम से चलाकर ले जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि कंपनी का क्लेम से होता नहीं है, वो थोड़ा बहुत कम देता है, तो अप्रोक्स 150 तो देगा ही देगा। बाकी यहाँ पे चेचिस की मैं बात कर लू तो यहाँ पे देखे सिंगल फ्रेम में इसके चेचिस मिल जाते हैं, बाकी बैटरी का सिस्टम सारा यहाँ पे, इसमें लेडर चेचिस दिया हुआ है, काफी मजबूत चेचिस है, बैटरी और जो इसका मोटर है वो सील्ड यूनिट है, सील्ड यूनिट है। यस, और यस, बहुत लोग ये भी बोलते हैं ना कि बैटरी कहीं हमारा जो पानी में रखेंगे या फिर गाड़ी अगर बाहर रहेगा ना तो थोड़ा सा खराब हो जाएगा, नहीं उससे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि वाटर प्रूफ है। और इसमें इसका सबसे अच्छी बात यह है कि कम्प्लीटली यूनिट सील्ड है, वो कम्प्लीटली यूनिट सील्ड, अंदर पानी जाने का कोई चांस ही नहीं। अच्छा, लेकिन स्पेयर व्हील्स का थोड़ा इशू आ रहा है, क्योंकि स्पेयर व्हील जो है ना वो थोड़ा सा बाहर दिख रहा है।
वो यस यस यू आर राइट, ये थोड़ा सा बाहर दिख रहा है। एक्चुअली उसका पर्पस ये था कि उसको एज ए फुट स्टेप स्टेप भी कस्टमर अच्छा, यूज कर सके, स्टेप के लिए भी कस्टमर यूज करे। भाई साहब यहाँ गाड़ी के अंदर जाना है तो पैर रखकर आप फुट स्टेप अपना पैर रखकर गाड़ी के अंदर भी जा सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने इसके स्पेयर व्हील्स को थोड़ा सा पीछे कर दिया है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे ना कि तीन रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे, एसईवी का ब्रांडिंग मिलता है। और बाकी हिंचेस की मैं बात करूँ तो यहाँ से देख सकते हैं हिंचेस है, बाकी अंदर में कार्गो बॉडी का स्पेस। अब सर अगर बात करें इस गाड़ी की ऑनरोड प्राइस की तो क्या होने वाली है और ये कब लॉन्च होगी? एक्चुअली इसका लॉन्चिंग ऑफिशियल लॉन्चिंग तो हो चुका है ऑटो एक्सपो में। अच्छा ऑटो एक्सपो में हो गया yes, लेकिन yes, अभी तक बहुत सारे सिटी में या फिर शोरूम में डीलर के पास ये गाड़ी पहुंचने नहीं पाई है। मैं भी ये बहुत जल्दी अवेलेबल होगी, व्हीकल अंडर प्रोडक्शन है। अच्छा अच्छा, कुछ सेटअप पे जो है हम इनिशियली पायलट लॉट में कुछ सप्लाई भी किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी प्राइस का क्या? इसका प्राइस अप्रोक्सीमेट जो है वो 9 to 10 lakhs के अराउंड है, 9 to 10 lakhs के अराउंड रहने। लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आगे फ्यूल पर आपको कोई एक्सपेंसेस नहीं करना है, खर्चा नहीं। 15 साल तक आपका पैसा मस्त एकदम चलेगा गाड़ी। यस यस, तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं ये जो गाड़ी है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको 9 to 10 lakh के आसपास यहाँ पे टाटा का एसईवी में देखने को मिलेगा। 15 साल तक आप एकदम मस्त गाड़ी को चलाइए, कहीं भी कोई डीजल और पेट्रोल का कोई भी आपको लफड़ा नहीं है कि ये करना है वो करना है, मस्त ईवी में चार्ज करिए। सिर्फ और सिर्फ 70 मिनट में ये गाड़ी चार्ज हो जाती है, यानी 1 घंटे 10 मिनट में चार्ज होगी। और कंपनी का क्लेम है 156 किलोमीटर चलने का, लेकिन अप्रोक्स आपका 150 तो चल ही सकता है। तो ये है टाटा की एसईवी। बाकी प्राइस एक बार फिर से मैं बता दूं, 9 to 10 lakh के अप्रोक्स आपको ये मिलेगी। ऑटो एक्सपो में ये गाड़ी को लॉन्च कर दिया गया है, फिलहाल अभी यहाँ पे शोरूम में डीलरशिप के पास अवेलेबल नहीं हुई, वो भी बहुत जल्दी होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।